तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किए और राइड्स भी ली, आपने देखा काफ़ी अच्छा लगा ये मिनी गोवा। तो अब चलते हैं और चंडीगढ़ की तरफ, आगे की ट्रिप एंजॉय करिए हमारे साथ। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ी दूर है पठानकोट और उसके बाद आपका पठानकोट से सीधे फिर हाईवे पकड़ के चंडीगढ़ के ले जाएंगे। चलिए चलते हैं, 4:15 हुआ है। ये हमारा चेक पॉइंट है और इधर की तरफ से आगे पठानकोट के लिए जाना है। तो इधर इस साइड में अम्यूजमेंट पार्क है। फ्रेंड्स हम लोग पठानकोट पहुंच चुके हैं और 5 बजे रेलवे क्रॉसिंग आपको क्रॉस करनी पड़ती है, पठानकोट बाईपास की तरफ हम लोग जाएंगे एंड देन वहां से जालंधर वाला रूट पकड़ के चंडीगढ़ की तरफ। ये रेलवे लाइन ये कांगड़ा वाली है, ये जैसे शिमला चलती है ना छोटी वाली ट्रेन, वैसे ये चलती है कांगड़ा से आगे जाती है। तो कांगड़ा जो है हिल तक जाती है मतलब। हम लोग पठानकोट बाईपास पे हैं और ये हमारा फुट ओवर ब्रिज है और ये हमारी मेन रोड है दिल्ली वाली NH 44। ये देखिए सुपर बाइक,
और इसमें म्यूजिक चल रहा है। यहाँ पे हम लोग रुके हैं हाई टी के लिए, हाई टी लेंगे फिर आगे। यहाँ पे हम लोग रुके हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा पंजाब सेलिब्रेशन करके है, पिंड बलूची की जगह ये पार्क बलूची लिखा हुआ है, और पीछे आप देख सकते हैं रिजॉर्ट टाइप का है, और इधर यहाँ पे वैष्णो रमन वैष्णो ढाबा है। तो यहाँ पे हम लोग चाय लेंगे फिर आगे चलेंगे, ये गाड़ी पार्क्ड है, और ये हमारी होशियारपुर से जालंधर वाली रोड है, तो चाय पी के फिर आगे चलते हैं। हम लोग चाय पी के निकल लिए हैं, अब हम लोग चल रहे हैं डायरेक्ट चंडीगढ़। अब यहाँ से हाँ डिनर के लिए बीच में रुकेंगे जालंधर के आगे, और रोपड़ पे आई थिंक हवेली वाले पे 11 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलिए चलते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7 बज गए। अरे चाचा चल जा, 7 बजे और हम लोग अपना पठानकोट जालंधर हाईवे पर एक टोल क्रॉस कर चुके हैं। सोलंग टोल प्लाजा, जम्मू हरिद्वार उत्तराखंड परिवहन। जम्मू हरिद्वार हरिद्वार डिपो, हम लोग अभी पठानकोट जालंधर हाईवे पर। जालंधर जालंधर बाईपास जाम लगा हुआ है ट्रैफिक। यहाँ से लेफ्ट लेना है जालंधर हाईवे के लिए, और सीधे पर जालंधर सिटी के लिए, और ये हमारी दिल्ली अमृतसर रोड है जो ऊपर आपको जिसपे फ्लाईओवर है, और लेफ्ट साइड में हम लोग चंडीगढ़ के लिए जाएंगे, और स्ट्रेट जालंधर सिटी के लिए जा सकता। तो ये शहीद बंता सिंह संगवान चौक है, ये सीधे अंदर जो रास्ता जा रहा है उधर सीधे, ये हमारा सिटी में है, और हम लोग यहाँ से बाईपास होते हुए जाएंगे जालंधर में हम लोग, और अभी टाइम हो रहा है 7:41। तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट हमें 2.5 घंटे का और रास्ता है, बट बीच में हम लोग डिनर के लिए रुकेंगे तो वो एक्स्ट्रा टाइम होगा। और स्ट्रेट हम लोग फगवाड़ा होते हुए जाएंगे चंडीगढ़। We'll be right back.
फगवारा बाईपास, फगवारा बाईपास ये हमारी जर्नी का सेकंड टोल है और ये हमारा जालंधर चंडीगढ़ के बीच में है, रूपनगर से पहले दो निकले ना। हाँ अच्छा, तो पठानकोट और जालंधर के बीच में दो थे, ये थर्ड होगा। 105 का था एक और 180 या 90 का था। ये वाला 90 रुपीज का। डिनर करेंगे और डिनर का टाइम भी हो गया है, 9:15 बज गया। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं हवेली, हेरिटेज हवेली रोपड़। तो अब यहाँ पे डिनर करेंगे फिर आगे चलते हैं। आते समय हमने ब्रेकफास्ट कहीं किया था वो आपको दिखाया था, और अभी डिनर करके फिर चलते हैं घर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं हवेली पे, और हवेली रोपड़ वाली जहाँ पे हमने आते समय गाड़ी देख सकते हैं, गाड़ी पीछे लग गई, और आते समय हमने ब्रेकफास्ट किया था यहीं पे, और देख सकते हैं पीछे मेरे हवेली। तो चलिए डिनर करते हैं फिर चलते हैं आगे और चंडीगढ़ की जर्नी पे। देखते हैं अभी एक दिन और है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। आनंदपुर साहिब जाने का प्लान है कल, तो चलिए दिखाते हैं आपको।
आगे से हमको एग्जिट करना है आला हाईवे एयरपोर्ट रोड की तरफ जाएंगे सीधे चंडीगढ़ है। आप चंडीगढ़ अम्बाला चला जा सकते हैं हम लोग भी रखते हैं। अच्छा यहाँ से लेफ्ट लेके दो चौक पार करेंगे चंडीगढ़ आ जाएंगे। अच्छा ये हम लोग मोहाली में चल रहे हैं। ये रोड है हमारी एयरपोर्ट वाली 8 किलोमीटर अंदर है। यहाँ से 8 किलोमीटर था और ये हमारा सर्कल एयरपोर्ट वाला और स्ट्रेट हम लोग चल रहे हैं जीरकपुर के लिए चौकिया। लोटस से आपको राइड लेना है जो फर्ज से